गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आजकल बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ब्लॉग बनाने की खुशी ही अलग है। आप जैसे कि मेरे नेल्स देख सकते हैं, मैं गई थी ऋषिकेश हेयर स्मूथिंग और नेल एक्सटेंशन करवाने, और मैं आई हूँ दीदी और जिया जी के साथ। और हमारे घर में चल रही शादी की तैयारियाँ, टेंट वेंट भी लगी गया होगा। ये देखो रास्ते से ही बल्ब वल्ब लग चुके हैं, और ऊपर अभी घर पे मेहमान भी बहुत सारे आ गए होंगे। आज दाल वाल भी पड़ी होगी, पकोड़े भी बने होंगे। तो हम लोग आ रहे हैं अभी ऋषिकेश से। मुझे बहुत थकान हो रही है, रास्ते में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है गाड़ी में। तो हम डायरेक्ट घर चलते हैं, आपको पूरे परिवार वालों से मिलाते हैं। दिल्ली से भी सब लोग आ चुके हैं, ऋषिकेश से, दुबई से दूल्हे लोग परसों पहुंच गए थे। तो फ्रेंड्स, घर की दीवार पर हम पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये देखिए, वेलकम टू पवार भवन। ये पक्का दीपक भैया ने लिखा होगा। ये देखिए टेंट लग चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, अभी रात को बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए ज़रा, फ़ोटो तो बाद में लेंगे ना। चलो घर वालों से मिलवाते हैं आपको, फटाफट से ऊपर चलिए। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं मेरे बालों का, पर कोई दिक्कत नहीं, हम घर के छोटे हैं, छोटों का मजाक भी बनाया जाता है। ये देखिए अभी तैयारियाँ चल रही, कल है हल्दी मेहंदी कीर्तन वगैरह। कर रहे हो भैया काम? वेरी नाइस। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, आधी आधी लड़ियाँ लगी हैं। ये है पप्पू भैया, भैया प्रणाम, फ्रेंड्स तक भैया प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। हे भैया, हाँ, नीचे चौक देखिए। अभी ये ढका क्यों ऊपर से? अरे यार, ये देखिए यहाँ पे सौरभ, नमस्ते भाई, प्रणाम, ठीक हो? हीरोइन भी आई और ये है रियो। माम प्रणाम। कोई बात नहीं यार, सब स्टाइल। माम प्रणाम। कैमरा मैंने साफ भी नहीं किया, और नेल्स तब बॉर्डर नाखून दिखाओ। ये देखिए, ये दूसरी भाभी हैं, सब काम पे लगे पड़े हैं। हाय वन भाभी प्रणाम। ना आ गए तो बढ़िया, ठीक है। तेरे ससुराल वाले? ससुराल वाले कग मैं तेरे इसके बटन मार रही हूं गाय। चलिए फ्रेंड्स, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे और लोगों से मिलाते हैं। चाचा और नहीं आए? सब उन चाचा और तो हमसे आगे आए थे, उनकी कार तो हमसे आगे थी। ये देखिए मेरे बाल, चलो बाहर वाले शीशे पे दिखाते हैं आपको। भैया पापा कहाँ हुआ? पूछ रही मैं तैसे, पूछ रही मैं। नीचे, कैसे लग रही है मेरे बाल? तो बाल तो यार, क्या चांदू, क्या चांदू कनवा दो करछी, भात दाल की ये कन यार, लो ले आओ भात दाल की करछी। भात खाए नहीं आप लोगों ने अभी? खाए नहीं आप लोगों ने भात अभी? लड्डू मटरी, लड्डू मटरी। अब इनको खाने का मन नहीं हो रहा, अभी फोन नहीं दिया उसने। कहाँ दिया उसने मुझे फोन? उसने बोला मैं मेरा प्रैक्टिकल है, ये सो काम करूँगी वरूँगी। सभी लोग तैयारियों पर लग चुके हैं। खाना खाने खाई, तैयारी हो रही है अभी। देखो दो मिनट में आ जाएगा तू। गाइस देखिए, हम जा रहे हैं भात खाने। भात खाने नहीं, पहले मैं इसको रजत के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि अभी तो खाना ज़्यादा ज़्यादा बनने लग गया, तो यहीं पे बन रहा है, हलवाई लोग बना रहे हैं अभी। अभी फ़िलहाल अपनी फैमिली है गढ़वाली में, बोल तो बेड़ा मसा का सब छन आया, और अब हम भात खाना, भूख लगी। और एक बार पहले रजत का लेकर ना, जर रिया पर इस पर रजत के लिए दे बाबू नीचे से, मैं यहाँ से लेती हूँ तेरे से दाल और भात लाना, उसमें आराम से, आराम से जाना, ठीक है? यहाँ से अच्छा लग रहा है गाइस, ऐसे टेंट तो अभी रात को लगेगा ना अच्छा, जब लड़ियाँ वड़ियाँ लगेंगी।
आराम से जाइयो। देखिए दूल्हा राजा सो रखा था, अभी उठ रहा है खड़ा सीढ़ियों में। देखिए क्योंकि इसको ना बाहर जाने से मना किया, बाकी भाई लोग तो सब काम कर रहे हैं। पतड़ी दादी पतड़ी को बाटे खिला रही है। ये देखो पूरी फैमिली। ये गाजर कूर रहे हैं कल के लिए। अभी गाइस देखिए पकोड़े के जिस पे पकोड़े रखने उसको टांग रहे हैं ऊपर। गाँव फाड़ लिया तो तुमने घास। अभी पढ़ क्या कति बजन अब रे, रात पड़ चुकी है और हम लोग ना अभी आ रहे हैं मार्केट से सामान वामान लेके। और ये देखे सब लोग अपने थोड़ा थोड़ा शॉपिंग सब की छूटी रही है। और अभी रात को खाना वाना खा के मेहंदी वगैरह लगाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। एक बार मैं आपको रात का अपने घर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये हुई हमारे घर को एंट्री और वेलकम टू पवार हाउस। ये देखिए आप, फ़ोन फ्रेंड मेरा फ़ोन इतना क्लियर है नहीं, कैमरा मेरा साफ है नहीं, बेकार लग रहा ना मेरे फ़ोन में कैमरा साफ है नहीं। हल्दी का उधर लगाया ना उन्होंने नीचे। ये देखिए मेहंदी का है, मेहंदी तो ऊपर ही होगी, डांस वगैरह तो अभी भाभी लग ही रहा है। बहुत सुंदर लगा है, बहुत सुंदर अभी लग रहा है। अभी जब फिनिशिंग हो जाएगी ना पूरी तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, अंदर तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मैं पापा की डांट खाऊंगी कि हम लोग बहुत लेट आ रहे हैं। ये देखें आप घर पूरा ढक चुका है। ये देखिए चाची, ये है मेरा सेबू और ये है मेरा पत्तू। ये हैं दूसरे हमारे परिवार के दूसरे ब्लॉगर संदीप पवार। संदीप पवार यो यो अबरी ये दिल्ली से आ रही है हमारी भाभी, हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने। मैं भी तो आ रही हूँ। ना 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 ना, अरे वो उनको रहने दे अंदर। अरे यार तू फोड़ने चले गए। और ये देखिए यहाँ पे हल्दी का स्टेज लग रहा है। भूमि आ रही है। अच्छा अच्छा, वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहाँ देखे मेरे सारे भाई लोग पटाखे फोड़ने जा रहे हैं। रिया हम यहीं से देखेंगे, रिया हम यहीं से देखेंगे। मेरा कैमरा ना अच्छा नहीं है यार, साफ नहीं आ रहा। वाह रिया कैमरे से देखे क्वालिटी ये होती है, पर छोड़ो। ये देखिए हरकत है इन लोगों की, उल्टा तो नहीं रख दिया। ओ भाई साहब बंदर देख तो तका लगा ना का। ये देखिए ये दूसरे ब्लॉगर है हमारे खानदान के, मेरा भाई सुदीप भाई। भाई भाई हाँ भैया, कल फ्रेंड्स मैं दूसरे कैमरे से ना ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि इसे बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है। ये मेरे ऋतिक से फूटता हुआ पटाखा। बच्चे लोग सब ऊपर रखे हैं हमने। एक से पढ़कर एक फोन वाला वो देर। वाओ पार्ट। और हम लोग चेक कर रही है, देखो अभी बिस्तर बिस्तर पड़े हैं यहाँ पे और हम लोग चेक कर रहे हैं हल्दी का स्टेज की कैसा बना है, कुछ दिक्कत विक्कत। हमारे घर की औरत देखिए
संजू कौन है मम्मी? कौन है संजू? कौन है बस संजू? अरे मैंने फोन करिए, कौन है? ये है मेरी बड़ी ताई, आप लोगों को पता है। ये है मेरी चाची जो दिल्ली से आई है। ये है मेरी माता श्री, ये है मेरी बड़ी भाभी, ये है मेरी छोटी भाभी, और ये है मेरी दीदी, तब मैं, और ये है मेरी दूसरी भाभी जो अभी चाय पिला रही थी। ये है मेरा ऋतिक, ये है मेरे बड़े भैया सुधीर भैया जो कि बहुत ही बड़े ब्लॉगर हैं, कि बस ये ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मेरे प्यारे चाचा जी, हाय। यहाँ सब मॉडर्न फैमिली। ये देखिए अपने पतिदेव को बुला रही हैं। इधर आओ चाचा, कुछ बोल रहे हैं ना। हाय फैमिली। ये देखिए चाचा की स्टाइल, अंत कर चाची और भाभी का प्यार। केक बधाई। अच्छा दारू छोड़ने की बधाई। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ शराब छोड़ने की बधाई दी जा रही है भाभियों द्वारा देवर को। यहाँ पे अंधेरा क्यों आ रहा है? लाइट नहीं खोल रखे इन लोगों ने। ताई दी तो मैं लिखाने गए भाई की शादी के पकौड़े गाइस। बस मुझे इतना ही चाहिए, बस 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 बस। ना ना आप रखते हाथ में भी दे दिया। हां तक के रखे था भाई। ये होती है तो छोड़ो। और फ्रेंड्स टेंट आप देख ही सकते हैं, टेंट बहुत सुंदर लगा हुआ है। और जिनका ये टेंट है उनका इंट्रो मैं आप लोगों को कल सुबह दूंगी, क्योंकि जो टेंट है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। उधर छत के ऊपर अभी बाकी लगाना बाकी है, तो कल सुबह जब पूरा लग जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो अभी खाना वाना बन रहा है। और बाहर यहाँ पे साइड ना मैं कम आ रही, क्योंकि इधर साइड ना फ्रेंड्स बाघ की डर है आजकल पहाड़ों में। ये टॉमी देख रहा है मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अंदर काम पड़ा हुआ है, सब लोग काम पे हैं, भैया लोग अपने दोस्तों के साथ हैं, मम्मी लोग खाना बना रही हैं, भाभी लोग, ये देखिए किचन फुल है, पूरा मंडली से भरा पड़ा है। और इतने मज़े आ रहे हैं, मज़े तो आएंगे ही फ्रेंड्स, क्योंकि घर में शादी का माहौल है। और भगवान करे हमारे घर में ऐसी ही खुशियाँ बनी रहे, माँ दीनियाली देवी नांगणी माता की कृपा से, माँ राजराजेश्वरी की कृपा से, इष्ट कोटेश्वर महादेव की कृपा से, सब सुख शांति से कार्य निपट जाए अच्छे से। बस ये देखिए मंडली अंदर बैठी है और पकोड़े खा रहे हैं। अरे तुम पकोड़े तब खाए? अरे पप्पू भैया हैं जो कि काम में बहुत मस्त हो रखे हैं। ये देखिए हमारे घर में एक से बढ़कर एक वेटर है, ब्लॉगर। उधर पीछे भी दिखाओ, मेरे को मिस मत कर देना। तुम्हारा पोज तो ऐसा है, फोटो खींच रही है, इधर ही देखना है। दीदी आप बिजी हो रहे हो, बिजी आप अपने सबके ध्यान में रखो, बिजी एड्स कांड। हाँ पत्ता नहीं काम कर रहा। ये हम लोग आज मेहंदी लगा रहे हैं, कोई एड्स खा रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई आलू छिल रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। मुझे फ्री कर दिया इसने, रुचि ने। भाभी आपने कुछ काम नहीं करना, आपने मुझे ऑर्डर देना है। मुझे ऑर्डर देना है रुचि बोली, तो रुचि ने मुझे बोला तू ऑर्डर देना। अपने हस्बैंड के चैनल का प्रचार तो करो उसमें। मेरे हस्बैंड का भी चैनल है संदीप के साइबर, कृपया उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबकी मेहंदी मैंने लगाई, तो आप एक्सपीरियंस देख सकते हो मेरा, जैसा कि आप सबने देखा। जी बिल्कुल नहीं, झूठ कह रहे हैं दीदी की मैंने लगाई है। फ्रेंड्स तो देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है, मैंने लगाई है, दूसरे हाथ में लगाएंगी भाभी। और अभी ना देखिए बच्चे खाना खा रहे हैं मेरे पीछे, छोटे छोटे बच्चे भी खाना खा रहे हैं और भैया लोग काम पे लगे हैं। ये देखिए भैया ने मैंने लगाई मेहंदी, अपना आप खुद ही लगाई, इसमें भाभी लगाएंगे और इसमें दूसरे हाथ में उसकी मैं मेहंदी लगाऊंगी।
तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी ना बीच बीच में ना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये कह रही थी क्यों फालतू ब्लॉग की रेड मारनी है। तो मैं ये कह रही थी कि ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो कल हल्दी का बनेगा, तो अब हम लोग सीधे खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि कल आने वाला है हल्दी का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शादी के एंड तक आपको हर वीडियो दिखाएंगे। मेहंदी दिखाओ, अच्छा वो मेहंदी दिखाओ अपने ऐसे ऐसे करके। ये मेरी बाबू है, मेरी शिवी, मेरी श्रुति भाई की बाबू है ये, है ना। हाँ सूख गई ना। ये हैं हमारे मोहल्ले के लोग और ये देखिए खाना यहाँ पे बन रहा है। मेरी मेहंदी देखिए ब्लॉगर स्वैग बना रहना चाहिए या ब्रो या गाइस। ये देखिए 12:07 हो रहा है और हम लोग बाकी सब लोग सो गए हैं घर के और हम लोग अभी मेहनत या मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि दिन भर इन लोगों ने मेहनत की है। मैंने भी थोड़ा बहुत किया पर मेरे से डबल इन लोगों ने की है और हमको टाइम नहीं मिला। हाँ अभी किसने लगाया आपकी मेहंदी? रुची देवी ने। रुचि पवार, रुचि बहुत अच्छी है और साथी भी है, बहुत कॉमेडी करती है, मेहंदी भी लगाती है, बहुत काम करती है रुचि भरी। अभी होंगी इनकी तारीफ भी करते हैं। साड़ी लगाई कल, साड़ी कल साड़ी जो लगाई कल हल्दी है, ठीक है ब्लैक स्पॉट हल्दी का मिलेगा। हाँ गुड भाभी आप कुछ बोलो। धन्यवाद। सीधी बात नो बकवास। भाभी सी नहीं हुई तभी तो अभी मुझे अपने इस हाथ में भी लगानी है मेहंदी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भी दिख रहे हैं, मैंने लगाई। नाइस नाइस नाइस। ऐसे पोस्ट सोता भी नहीं रहोगी।